छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस का प्रदर्शन है और आप ये देखिए कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट पर निकले हुए हैं और एक बड़ी भीड़ के साथ में ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे समझेंगे। आखिरकार आप लोग प्रदर्शन के लिए निकले हैं, जरूरत क्यों आन पड़ रही है बार बार इस तरीके के प्रदर्शन? देखिए, जितने भी सेंट्रल एजेंसी हैं ईडी सहित, सबका दुरुपयोग हो रहा है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो सब मामला समाप्त हो जाता है। चाहे अजीत पवार की बात करो, चाहे प्रफुल्ल पटेल की बात करो, अशोक चौहान की बात करो, हेमंत शर्मा की बात करो, शुभेंदु अधिकारी की बात करो और बहुत सारे उदाहरण ऐसे। ये सुधरेगी कैसे स्थिति? लगातार आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं प्रदेश देश में वही स्थिति। जितने भी स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और ईडी के अधिकारियों से हम यही कह रहे हैं कि सत्ता बदलते देर नहीं हो लगती, जिस दिन होगी उस दिन इनकी जांच होगी। इसी तरीके से होगी? इस तरीके से नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्य जज के नेतृत्व में ये जितने भी काला पीला किए हैं उसकी जाँच करवाएंगे। ये भूपेश बघेल का कहना है कि काला पीला जो भी हो रहा है उसकी जांच करवाएंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी समझेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, लगातार बयानों का सिलसिला भी है, इस तरीके से प्रदर्शन भी है, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा। देखिए, सरकार आदत से मजबूर हो गई है विपक्ष को परेशान करना, अपने घोटालों को दबाना और इनके अपने एजेंसियों पर भरोसा नहीं, दूसरे एजेंसियों जाँच कराना, तो इस तरह से अपने खुद पर भरोसा नहीं है इस सरकार को। और जिस तरह विपक्षी नेताओं को लगातार कार्रवाई कर रही है इसके विरोध में आज ईडी कार्यालय का हमारा घेराव हुआ। तो ये घेराव करने के लिए, ईडी कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ पर निकले थे, लेकिन सवाल यही है कि इन प्रदर्शनों से और लगातार हो रहे इन आरोपों से कांग्रेस लगातार जिस तरीके की बात कह रही है, और भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसी तरीके से कार्रवाइयाँ होगी, लेकिन जजों के नेतृत्व में जजों की कमेटी बनाकर कार्रवाइयाँ की जाएगी और इस तरीके से ईडी और तमाम संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर लेकर ये आज प्रदर्शन ईडी कार्यालय तक कांग्रेस जा रही है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।